बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम आपको प्लेट्स वाली कमीज का कटिंग का तरीका बताएंगे, किस तरह से हम इसे कटिंग करेंगे। सबसे पहले हमने चुड़ाई लेनी है, हमारी चुड़ाई है तकरीबन 23 इंच, और हमने 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है। डबल करेंगे तो हमारा 27 इंच आएगा, इसको हम डबल करेंगे। इस तरह से आप इसे डबल करेंगे तो 13.5 आएगा। इस तरह से हम 13.5 पे निशान लगाएंगे। 13.5 पे मैंने ये निशान लगाया। अब हम लंबाई लेंगे तकरीबन 38 इंच। 38 इंच हमारी लंबाई है। और 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा रखा है। अब हम तीरे का नाप लगाएंगे 15 इंच, और 8 इंच हम आधा इंच सिलाई के लिए लेंगे, 16 इंच होगा, और उसका हाफ 8 इंच। इसी तरह से हम 8 इंच पे इधर निशान लगाएंगे। इस तरह से हम निशान लगाएंगे। अब इस निशान को हम इस तरह से मिलाएंगे। अब इस तरह से इसको सीधा रखेंगे तो हमारी कटिंग बहुत सही तरीके से, कंधे की कटिंग ठीक आएगी। 1.5 इंच पे हम यह निशान लगाएंगे। 4 इंच पे हम इधर निशान लगाएंगे। अब इन निशानों को आपस में हम मिलाएंगे। चेस्ट का हम निशान लगाएंगे 22 इंच पर। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इधर 1/2 इंच हम इस तरह से कटिंग करेंगे। अब हम निशान लगाएंगे। चेस्ट का हम सबसे पहले निशान लगाएंगे 22 इंच। 11 इंच पे हम इस तरह निशान लगाएंगे डबल। 12.5 पे निशान लगाएंगे। 5.5 पे हम कमर का निशान लगाएंगे। अब हमने प्लेट्स का नाप लेना है। 1/2 इंच हम ऊपर सिलाई का छोड़ेंगे। 10.5 पे हम निशान लगाएंगे। गले के साथ हमने इस तरह से निशान लगाना है।
चार इंच पे हम इधर निशान लगाएंगे। इससे आगे हम 7 इंच पे निशान लगाएंगे। चार इंच पे हम इधर निशान लगाएंगे इस तरह से। अब हम इसके दरमियान में निशान लगाएंगे 3.5 पे। इस तरह से 1/2 इंच पे हम इस साइड पे निशान लगाएंगे। 1/2 इंच पे हम इस साइड पे निशान लगाएंगे इसके सामने। अब हम इस निशान को मिलाएंगे इस साइड पे और इसको इस तरह से। ये हमारा प्लेट का निशान है। इस तरह से हम इसे उठाएंगे और इस तरह से हम इसे सिलाई लगाएंगे। अब हम इसकी फिटिंग का निशान लगाएंगे। उन्नीस हमारी फिटिंग का निशान है तो 20 इंच पे हम निशान लगाएंगे। हिप का निशान हम लगाएंगे 11.5 पे। डबल हमारा 23 आएगा। अब इन निशानों को आपस में हम मिला लेंगे। अब हम फ्रंट पे इस तरह से निशान लगाएंगे। बैक साइड पे हमने ये निशान लगाया। अब इसी तरह से हमने नीचे भी निशान इसी तरह लगाना है। फ्रंट साइड की हम अगले कंधे की कटिंग करेंगे। इस तरह से हमारी ये कटिंग और प्लेट के निशान मुकम्मल हुए। ये देखिए इस तरह से ये मैंने निशान लगा लिया। दोबारा आपको मैं बताती हूँ, 7 इंच पे ये मैंने प्लेट का निशान लगाया लंबाई में और इसके दरमियान हमने 3.5 इंच पे निशान लगाया। 3.5 इंच पे ये निशान लगाया और 1/2 इंच हमने साइडों से लिया। इस तरह से 1/2 इंच इधर हमने लिया, 1/2 इंच इधर लिया। इस तरह से ये हाका मैंने बनाया। अब हम इसे इस निशान से इस निशान पर इस तरह से सिलाई लगाएंगे। ये मैंने चारों तरफ निशान लगा लिए। इस साइड पे भी मैंने निशान लगाया, इस साइड पे भी। अब हम सिलाई लगाएंगे। इस तरह से आप इसे दरमियान में प्रेस कर लें ताकि इक्वल हमारा निशान आए। इस तरह से हम इसे सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से हम दूसरा भी इसी तरह लगाएंगे।
ये देखिए इस तरह से ये मैंने रेत डाल ली है। ये देखिए इस तरह इसकी शेप बनी है। बैक साइड पे भी इसी तरह से ये देखिए ज्यादातर ये भारी भारी जिस्म वाली जो वो ये प्लेट्स डालते हैं इससे ये भी शेप चेस्ट वाली शेप भी ठीक रहती है और पेट ज्यादा हो तो इसमें ये कवर होता है, तंग कमीज तंग नहीं होती यहाँ से और कमर की भी शेप बनती है। इस तरह से ये शेप आएगी। यकीनन आपको प्लेयर्स की समझ आई होगी और आप अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।